तो आज हमने मंगाया है फ्लिपकार्ट से अपना इडली मेकर, देखते हैं कैसा है, क्योंकि मुझे इसके काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले थे तो मैंने सोचा इसे क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। क्योंकि मेरे पास जो पहले से रखी हुई इडली मेकर है ना, मतलब इडली का जो सांचा है ना, वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं है, उसमें कभी कभी पानी स्टोर हो जाता है। देखते हैं ये कैसा है। खुल गया हमारा डब्बा, डब्बे के अंदर एक और डब्बा, डब्बे के अंदर एक और डब्बा आ गया है। चलिए इसे भी गर्म कट कर लेते हैं। ओके, तो कट गया हमारा ये भी डब्बा, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिला है। ओके, अरे ढक्कन, कुछ एक्सेसरीज, और ये है हमारा डब्बा जो कि पता नहीं बहुत टाइटली फिक्स किया गया है, बहुत मुश्किल हो रही निकालने में, बट ठीक है निकालना पड़ेगा, जोर लगा के हिस्सा निकल गया। ये है हमारा डब्बा, देखिए मैं आपको इसका एक रिव्यू दिखा देती हूँ। क्लासिक किचन का है ये। अगर आपको इसका इसे परचेस करना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मुझे यहाँ पे मिले हैं 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये आखिर का 6 प्लेट जिसके नीचे कुछ नहीं है। देखते हैं इसे कैसे यूज़ कर। ये है डब्बा जिसमें क्लासिक किचन का स्टिकर लगा हुआ है, बट उसको हमें कुछ नहीं करना है। ये है इसका ढक्कन, फिट करेंगे। और राइट, अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या एसेसरीज मिली है मुझे। जिसमें मुझे मिला है रॉड, आई थिंक इसमें फिक्स करने के लिए है। इसके साथ मुझे मिले हैं 2 हैंडल और एक ये 3 हैंडल। ये किस हिसाब से भाई, 3 हैंडल का मुझे क्या करना है, या तो 2, 2 या 4, 2, 3 तो क्या करना है। ये कप, ये शायद ऊपर से होल्ड करने के लिए इसको होता है ना, शायद वो है ये, आई एम नॉट श्योर। और इसको फिक्स करने के लिए मुझे मिली है कुछ कीले। ये कुकर की सीटी जैसी लग रही है बट एक्चुअली मुझे नहीं पता ये क्या है। और एक ये स्क्रू मिला है मुझे, लेट्स सी। पहले तो हम इसका हैंडल फिक्स करते हैं क्योंकि ओके, ये कुकर की सीटी को पहले हम यहाँ फिक्स करते हैं। हाँ, अब बजेगी है। वैसे बजने वाली सीटी तो है नहीं ये, बट अच्छा शायद यहाँ से ये स्टीम जाएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जिससे कि अंदर पानी इसमें स्टोर नहीं होगा और ये इडली आपकी गीली नहीं होगी। इसके बाद हम फिक्स करते हैं अपने हैंडल्स को ऐसे या ऐसे। जा 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 कबूतर जा अंदर। हाँ गया। चलिए इसे हम अच्छे से एक बार फिक्स कर लेते हैं। ये हो गया हमारा हैंडल पूरी तरह से फिक्स, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल टाइट है, हिल नहीं रहा है। अब हम फिक्स करेंगे इसके दूसरे साइड का हैंडल। चलिए फिक्स मिलते हैं फिक्स करने के बाद। ओके, तो ये देखिए हमने दोनों तरफ के हैंडल्स को अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब ये ढक्कन बंद हो सकता है। अच्छा यहाँ पे आई थिंक ये जो है ना वो यहाँ पे लगेगी, ये जो नॉब आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें कील भी है और रॉड में तो ये कील कहीं भी फिक्स नहीं हो सकती है, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चलिए चलिए इसका नॉब खोलते हैं। पहले खुल गया, अब हमें इसमें फिट करना है। ओके, ये डब्बा हमारा डब्बा रेडी हो गया। अब स्टैंड को कैसे रेडी करना है, इसके लिए यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं।
अच्छा, जो हमने तीसरे हैंडल की बात की थी ना, वो यहाँ पे हमें यूज़ करना है। और इसके लिए लिखा है टेक द रॉड एंड अनस्क्रू द बोल्ट। बोल्ट इन्होंने पहले से ही अनस्क्रू करके दिया है गाइज। उसके बाद टेक द इडली प्लेट विदाउट द कप एट द बॉटम एंड इंसर्ट इन टू द रॉड। ओके, मतलब ये जो इडली प्लेट है इसके बॉटम में ये कोई भी कप नहीं बना हुआ है, इसे हमें लास्ट में इंसर्ट करना है ऐसे। और इसके बाद हमें अपने कप को इसमें फिक्स करना है। स्क्रू का, यस, ये रही हमारी स्क्रू। और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। टंटना, रेडी है हमारी पहली प्लेट। और इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं प्लेट। ये तो हो गया हमारा स्टैंड रेडी। बट अब इसका क्या करना है, ये तो फिट करने के लिए शायद इस इमेज के अकॉर्डिंग हमें इसको शायद यूं उठाना है, लिफ्ट करना है। हाँ, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, इसमें सारे में हमें बैटर फिल करना है। और बैटर फिल करने के बाद ये गर्म हो जाएगा ना, मतलब जब इडली बनने के बाद ये पूरा का पूरा स्टैंड गर्म हो जाएगा, तो हमें इसे होल्ड करने के लिए ये दिया गया। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस तरीके से बना हुआ है जिससे कि किसी भी चीज़ को आसानी से होल्ड कर लेगा। और एक बार अगर हमने इसे ऐसे होल्ड कर लिया तो ये आराम से हम इसको लिफ्ट कर पाएंगे। इसके बाद अपने इस पूरे बने हुए स्टैंड को अपने इस डब्बे में फिक्स करें। नहीं, ऐसे नहीं, इसे थोड़ा स्टाइल में रखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ये दिया गया है। तो हम इसे यूं रखेंगे, यूं निकालेंगे, बाहर वेट पे डालेंगे और अपने इडली मेकर को बंद कर देंगे। टंटना, ये था हमारा इडली स्टैंड का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो या किसी और चीज़ का रिव्यू अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आपका वो रिव्यू करके दिखाऊंगी। आज के दिन के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इडली भी दिखा रही हूँ। तो बताइए कैसी लगी मेरी ये वीडियो। मैंने पहली बार कुछ रिव्यू करने का ट्राई किया है, और मैं ऐसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदूंगी तो वो हर बार आपको अब रिव्यू करके मैं दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले। अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।